What? आकाश ने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, लेकिन कैसे अभिजीत? वो तो मान गया था ना। ये सब कुछ उस पुन्नम रानी की वजह से हुआ है। उसने आकाश के मन में ये बात डाल दी कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क है। अरे पर चीजा जी, आपके सामने आपसे किसकी चली, एक बार उसको कन्विंस करने की कोशिश तो की होती। वो साले साहब, बाबा जी कहते हैं कि मौके की नजाकत को समझना चाहिए, उस वक्त चुप रहना चाहिए। यदि मैं दबाव डालता ना तो बात बिगड़ सकती थी। और उस वक्त पुन्नम के मुताबिक आकाश को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका एक्सपीरियंस हो, मतलब उसका सामियाने वाला बिजनेस। यस यस यस, सामियाने वाला बिजनेस। डॉली डार्लिंग, रास्ता मिल गया, बाबा जी की दया से रास्ता मिल गया। अरे भल्ला साहब, लेकिन क्या रास्ता है? उन्हीं का रास्ता सरिता जी, जिस पर वो चल रहे हैं। माना कि उन लोगों को हम कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस में नहीं ला सके, लेकिन वो लोग अपने शामियाने वाले बिजनेस को बड़ा तो बनाना ही चाहते हैं ना। क्या मतलब अभिजीत? मतलब डॉली डार्लिंग, होगा भाई जो हम चाहते हैं। मान्या के रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन टेढ़े रास्ते को सीधा करना तो बल्ला के बाएं हाथ का खेल है। जय हो बाबा जी की। इन सब की लिस्ट तो मैंने बना ली है, अब इन सब से मुझे मिलना है ताकि मैं अपने बिजनेस को और अच्छे से बढ़ा सकूं। हेलो मिस्टर आकाश गर्ग। हाँ भाई साहब, मैं ही आकाश गर्ग बोल रहा हूँ, बोलिए। मैं श्याम कोठारी बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए, क्या काम? एक इवेंट है, उसके बारे में बात करनी थी। कहाँ इवेंट? लखनऊ में। कब है? 30 और 31 मार्च को। अच्छा, बजट क्या है आपका? 50 लाख। जी हाँ, एक बहुत बड़ा फन एंड फेयर इवेंट है जो मैं यहाँ लखनऊ में ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस इवेंट की सारी जिम्मेदारी आपकी कंपनी संभाले। मेरी कंपनी? जी, और मैं चाहता हूँ इसलिए आप आज ही लखनऊ आकर मुझसे एक मुलाकात कर लें। हेलो हेलो मिस्टर आकाश। देखिए, अगर आपको लगता है कि ये आपके बस की बात नहीं है तो नो प्रॉब्लम, मैं किसी और कंपनी से बात कर लूंगा। वो तो आपके बारे में इतना कुछ सुना था इसलिए सोचा कि आपसे ही। हाँ हाँ सर, हाँ हमारी कंपनी करेगी आपका काम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, मैं आज ही आता हूँ आपसे मिलने के लिए, आप मुझे बस अपना एड्रेस मैसेज कर दीजिए। ओके। आज ही तो पूनम जी ने बिजनेस बढ़ाने की बात की और आज ही इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। बोलिए। हाँ पूनम जी, मैं लखनऊ जा रहा हूँ। लखनऊ? लेकिन क्यों? जरूरी काम आ गया है, उसके लिए जा रहा हूँ। और
आप कब तक आएंगे? मैं, देर हो जाएगी पूनम जी, लगभग रात के 12 बज जाएंगे। और हाँ, आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा खाने के लिए, आप खाना खा लीजिएगा। ठीक है, आप भी खाना खा लीजिएगा और अपना ख्याल रखिए। जी पूनम जी, रखता हूँ। कोठारी साहब अभी तक आए क्यों नहीं? 7 बजे का ही तो कहा था। मिस्टर आकाश गर्ग, आप कोठारी जी? जी नमस्कार, प्लीज आप बैठिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, व्हाट कैन आई गेट यू सर? वन कॉफी। आप कुछ लेंगे? नहीं सर, मैं कुछ नहीं। मेक इट टू। यस सर। हाँ तो मिस्टर आकाश, जैसा कि मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि यहाँ लखनऊ में मैं एक बहुत बड़ा फन एंड फेयर इवेंट करने जा रहा हूँ। इस एग्जीबिशन कम फन एंड फेयर में बहुत कुछ होगा। मैं इस इवेंट को बहुत बड़े स्केल पर करने जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम इन लखनऊ। इसलिए डेकोरेशन ऐसा होना चाहिए कि हर कोई देखता रह जाए। राइड्स, स्टॉल सेटअप, सब कुछ इतना यूनिक हो कि जो कोई देखे उसने ना कभी ये पहले देखा हो ना सुना हो। मैंने यहाँ लखनऊ में एक फंक्शन अटेंड किया था जिसका अरेंजमेंट मुझे बहुत पसंद आया। जी, अब मैंने इंक्वायरी की तो मुझे आपके बारे में पता चला। कुछ प्रार्थना डेकोरेटर्स? यस सर। यस राइट। जी जी, मैं उसी स्टैंडर्ड की सर्विस की उम्मीद आपसे रखता हूँ, बल्कि उससे भी बेहतर। जरूर सर, क्यों नहीं, जैसा आप कहें। देखिए मिस्टर आकाश, इस इवेंट के लिए हाँ या ना कहना ये सब आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने इसे अच्छे से हैंडल कर लिया तो आपको इवेंट के इतने बड़े बड़े काम मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप एग्री करते हैं तो मैं अभी आपको 5 लाख रुपये एडवांस दे देता हूँ, बाकी 45 लाख इवेंट के बाद। तो मैं आपकी तरफ से ये डील पक्की समझूं? सर बुरा मत मानिएगा, लेकिन 50 लाख के इवेंट के लिए 5 लाख का एडवांस कम नहीं है? मैं जानता हूँ मिस्टर आकाश ये कम है, लेकिन हम आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी तो दे रहे हैं। अगर आपको मंजूर है तो बताइए, मैं कल ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर आपके पास पहुँचा देता हूँ साइन के लिए। क्या हुआ मिस्टर आकाश? इवेंट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप अभी ना कर दीजिए, बट कुछ भी डिसाइड करके मुझे बताइए ताकि मैं उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकूं। नहीं नहीं सर, अब मैं करूंगा आपका, ये मैं करूंगा। ग्रेट, हमारा आपका साथ बहुत लंबा चलेगा। मैं कुछ दिनों तक इसी होटल में ठहरा हूं, आपको अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो आप यहां आ सकते हैं मुझसे मिलने। ये आपका एडवांस, बाकी कॉन्ट्रैक्ट के पेपर में आपको कल भिजवा देता हूं। जी डील तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये 5 लाख में क्या होगा?
कुल मिलाकर 35 लाख रुपए का खर्चा आएगा इस इवेंट में। मतलब मुनाफा 15 लाख रुपए। बाकी के 30 लाख कहां से लाऊंगा? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।